subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome everyone. मेरा नाम है साले। आज फिर से आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल साले टेक्मो। तो आज की वीडियोस बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आज एक नए वीडियोस में अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरा हर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके वीडियो में चले जाते हैं। आज की वीडियो स्किप मत करना वरना कुछ नहीं समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो में आ गया हूँ मैं आज की वीडियो के अंदर। तो आज जो वीडियो है वो है, आप लोग आजकल के दिन लॉकडाउन की सीजन है, हर कोई ना कोई कंप्यूटर यूज करता है और जो बच्चा है स्टूडेंट है वो लोग कंप्यूटर में ऑनलाइन क्लास एग्जाम सब कुछ हो जा रहा है इस कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसा बहुत सारा है जो जब भी वो वाईफाई या डाटा कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में तो डाटा ख़त्म हो जाता है जल्दी से। तो आज की वीडियो के अंदर में एक वैसा सोल्यूशन दिखाऊंगा कि आप लोगों के मन में ऐसा आता है ना कि मैं कुछ नहीं यूज़ किया तो फिर मेरा डाटा इतना ख़त्म क्यों हो गया है, तो खाब ऐसा ये हो रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन है, आप लोग अपना सिस्टम में सेटिंग में चले जाइए फर्स्ट में। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग उधर एक ऑप्शन देखेंगे प्राइवेसी, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग उधर स्क्रॉल करोगे तो आप लोग एक ऑप्शन देखेंगे बैकग्राउंड ऐप, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं उधर सब ऑप्शन ऑन है। तुम जो यूज कर रहा है वो भी ऑन है, तुम जो यूज नहीं कर रहा है वो भी ऑन है। तो आप लोग एक एक करके सबको ऑफ कर देना है। तो जब भी ऑफ करोगे तो नेटवर्क जब कनेक्टेड होगा तो ज्यादा डाटा नहीं खाएगा वो। आप लोग अगर देखना चाहते हो कि अपना डाटा कितना ख़त्म हुआ और कितना खाया अपने सिस्टम में तो वो देख सकते हैं। पहले अपना सर्च बार में जाइए, जाने के बाद उधर टाइप करना है वाईफाई, तो वाईफाई में चले जाना है। चले जाने के बाद आप लोग उधर देख सकते हैं डाटा यूजेस, जब भी उसमें क्लिक करोगे तो उधर एक ऑप्शन आएगी यूजेस डिटेल्स। तो अभी आप देख रहे हैं ना, तो आप लोग का सिस्टम उधर देख सकते हैं कितना डाटा अपना ऐप ने खाया है। मैं सबसे ज्यादा MB है डाटा यूजेस है। और आप लोग देख रहे हैं अपडेट, अपडेट के बारे में मैं और एक वीडियोस बनाकर रखा है और एक वीडियो में उसको देख लीजिए। तो आप लोग वो भी ऑफ कर सकते हो, अपना ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। आज की वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।